हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी, लेकिन एक नई तरीके से। जैसे कि आपको पता है कि थैले वाले की जो साबूदाना खिचड़ी रहती है बहुत ही अच्छी रहती है, और वो स्टीम से बनाई जाती है और एकदम खट्टी मीठी और चटपटी बनाई जाती है। तो सेम तरीके से वही रेसिपी बनाएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए ये चटपटी साबूदाना की खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है भिगोए हुए साबूदाना। तो मैंने 1 कप भिगोए हुए साबूदाना लिए हैं, उसको सोख करके ले लिया है। तो अभी हम उसको स्टीम करना है। तो 1 कप मैंने सोख किए हुए साबूदाना ले लिए हैं। अभी हम स्टीमर को गरम करेंगे। स्टीमर को मैंने पहले ही गरम किया है, इसके नीचे मैंने पानी डाला है और ऊपर ऐसे हमें छेद वाली छन्नी रखनी है। अभी हमें साबूदाना को फैलाना है, अच्छे से उसको फैलाएंगे ताकि अच्छे से ये स्टीम हो। तो पूरी प्लेट में अच्छे से उसको स्प्रेड कर लीजिए। देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अभी हम उसको 3 से 4 मिनट तक ही स्टीम करना है, इससे ज़्यादा स्टीम नहीं करना है, नहीं तो आपकी साबूदाना खिचड़ी साबूदाना जो है वो चिपक जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट तक उसको स्टीम कीजिए। अभी 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये कैसे हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छे से स्टीम हो गए हैं। इस तरीके से स्टीम होने चाहिए। जब हम मिक्स करेंगे तो अच्छे से ये खुले खुले रहेंगे, तो अच्छे से मैश भी हो रहे हैं। गैस को बंद कर देंगे और अभी हमें एक बाउल में निकाल लेना है। तो मैंने सारे साबूदाना को स्टीम किए हुए बाउल में निकाल दिया है। अभी हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। अभी हम डालेंगे फराड़ी चिवड़ा। फराड़ी चिवड़ा की रेसिपी है मेरे चैनल पर। ये मैंने आलू चिवड़ा फराड़ी जो उपवास में खाते हैं वो लिया है, तो वो इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैंने टोटल 100 ग्राम लिया है, हम पूरा ही यूज़ करेंगे थोड़ा थोड़ा ऐड करने के बाद। अभी हम सा नमक वगैरह डाल देंगे। तो उसके पहले अभी हमें डालना है जीरा पाउडर। जीरा पाउडर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है। उसके बाद डालेंगे सेंधा नमक 1/2 चम्मच, क्योंकि चेवड़े में भी नमक है तो हम नाप से डालेंगे। अभी हम डालेंगे ब्लैक पेपर, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने 1/4 टीस्पून ले लिया है। ऐड करने के बाद अभी हम डालेंगे 1 नींबू का जूस, पूरा 1 लेमन जूस डाला है। करीब 2 बड़े चम्मच रस उसका डाल दिया है ताकि हमारी खिचड़ी बहुत ही अच्छी और टेस्टी चटपटी लगे। उसके बाद डालना है हमें पीसी हुई चीनी। अगर आपको चीनी नहीं पसंद है तो आप स्किप करें, लेकिन इसमें चीनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो 2 बड़े चम्मच डाला है। उसके बाद हम डालेंगे फ्रेश कटे हुए धनिया के पत्ते। ऐड करने के बाद अच्छे से उसको मिक्स करना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो रहा है। अच्छे से थोड़ा थोड़ा मैश करते जाइए और मिक्स करते जाइए। थोड़ी देर में आप देखेंगे हमारी खिचड़ी अच्छे से मिक्स हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि चिवड़ा थोड़ा कम है तो हम थोड़ा सा ऐड करेंगे और बाकी हम ऊपर सर्विंग करेंगे तब ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी खिली खिली साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार है। एक देख सकते हैं आप कि कोई भी झंझट के बिना हम साबूदाना खिचड़ी 5 मिनट में बना सकते हैं। तो ये हमारी तैयार है, तो चलिए सर्व करते हैं। तो प्लेट ले लिया है, अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ही झटपट ये बन जाती है, और उपवास में हमें जब चटपटा खाने का मन करे तो आप ये साबूदाना खिचड़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में बहुत ही चटपटी है। ऊपर से अभी फिर से हम आलू का चिवड़ा डाल देंगे। अभी हम डालेंगे फ्रेश कटे हुए धनिया के पत्ते, और लास्ट में हम डाल देंगे नींबू का रस, थोड़ा सा ऊपर से छिड़क देंगे ताकि टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए। तो हमारी ये साबूदाना खिचड़ी चटपटी बनके तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। मिलती हूँ ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।